मम्मी मम्मी जल्दी उठो, स्कूल है, मेरा लंच बनाना है, मैं लेट हो जाऊंगी। गीता दीदी से बनवा लो ना। गीता दीदी तो 8:30 बजे आती है, तब तक मैं स्कूल पहुंच जाऊंगी। उठो। अरे टिफिन कहाँ गया? अभी जो है वो ही रख देती हूँ, कल से ताजा बनाऊंगी। अब जैसे कि आप जानते हैं कि स्कूल खुल गए हैं और सुबह होते ही हर मम्मी की टेंशन होती है कि सुबह बच्चों को लंच में क्या दें। सुबह लंच में जो देना है वो बच्चे मजे से खाएंगी, तो मैं लेके आ गई हूँ मंडे टू फ्राइडे लंच बॉक्स रेसिपी, जिसको आप देखिए बच्चे में कितने मजे से शेयर करके खा रहे हैं। अब मैंने तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, तो बस आप भी ये सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक। मंडे के लंच में सबसे पहले हम बनाएंगे ये चिली सोया, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए पानी लेकर सोया चंक्स को सबसे पहले इसमें उबाल लें। अब उबाल आ गया है तो उसका सारा पानी डालकर इसे निचोड़ लें। इसके बाद हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 छोटे चम्मच दही, 3 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक। अब इन सबको अपने हाथों की मदद से अच्छे से मिला लें ताकि मसाला चंक्स के अंदर अच्छे से मिल जाए। इसके बाद इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट करने रख दें और दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल को गर्म कर लें और जैसे ही तेल गर्म हो जाए इसे फ्राई कर लीजिए। फ्राई हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक करना है। यहाँ आप देखेंगे लगभग 3 से 4 मिनट में ये हो गए, तो इन्हें बाहर निकाल लें। अब दूसरी तरफ पैन में लें 3 बड़े चम्मच तेल और तेल के गर्म होते इसमें डाल लें हरी मिर्च स्लेट करके और बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन। सौते करने के बाद इसमें मैंने डाइस किए हुए प्याज और शिमला मिर्च डाली है। शिमला मिर्च को मैंने सभी रंग का लिया है, आप चाहे तो एक भी ले सकते हैं। मसालों में यहाँ पे नमक का इस्तेमाल करेंगे और बाकी फ्लेवर के लिए यहाँ पे मैंने डाला है टोमेटो केचप, विनेगर और सोया सॉस। अब इन सभी सब्जियों को इस सॉस में अच्छे से टॉस कर लेंगे। अगर आपके बच्चों को थोड़ी क्रंची सब्जी पसंद है तो सब्जियों को ज़्यादा ना पकाएं और जो हमने सोया चंक्स को फ्राई किया था इसमें डालकर मिला लें। यहाँ पे हमने इसमें थोड़े से पनीर क्यूब्स भी डाले हैं एक अलग टेस्ट के लिए। बाई चांस आपके बच्चे अगर सोया चंक्स नहीं खाते हैं तो आप इसे पनीर के साथ भी बना सकते हैं। तो बस इसे थोड़ी देर टॉस करने के बाद यहाँ पे आपका चिली सोया पनीर बन के तैयार है और इसे मैंने बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स और मखानों के साथ पैक किया है। अब चलिए बनाते हैं ये ट्यूसडे को मज़ेदार लेमन राइस, जिसे बनाना तो बहुत ही आसान है। बस आपको कढ़ाई में डालने हैं 3 बड़े चम्मच तेल, तेल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें डालें आप मस्टर्ड सीड और मस्टर्ड सीड के चटकते ही यहाँ पे मैंने चना दाल और मूंग दाल डाल के उसे हल्का सा रोस्ट कर लिया है। मसालों में यहाँ पे सिर्फ नमक और हल्दी का इस्तेमाल करेंगे और लगभग 30 सेकंड के लिए मसालों को भूनेंगे। इसके बाद इसमें डाल दें यहाँ पे राइस। यहाँ पे आप चाहे तो लेफ्ट ओवर राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको शिकायत होती है कि आपके लेमन राइस खिले खिले नहीं बनते हैं तो उसका राज ये होता है कि आप हाल के हाल बने हुए गर्म चावलों का इस्तेमाल इसमें करते हैं। इसके लिए आप या तो लेफ्ट ओवर राइस का इस्तेमाल करें या चावल को पहले से बना के कम से कम 1/2 घंटे फ्रिज में रख दें। ऐसे चावल यूज करने से हमारे लेमन राइस एकदम खिले खिले बनेंगे। और एक टैंगी फ्लेवर के लिए इसमें नींबू का रस छिड़क दिया है और आप देखेंगे कि यहाँ पे भी लेमन राइस बनके तैयार है। और इसे मैंने बच्चों के लंच बॉक्स में सर्व किया है और साथ में डाला है केक और ग्रेप्स। तो यहाँ पे आप कोई भी सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए ट्यूसडे के बाद बच्चों को कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर भुज्जी बर्गर, जिसके लिए हमें पैन में लेना है 3 बड़े चम्मच तेल और तेल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें डालेंगे हम जीरा। जीरा के चटकते ही डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ प्याज। अब प्याज को हमें हल्का गुलाबी होने तक भूनना है और जैसे ही प्याज हल्का गुलाबी हो जाएगा इसमें हम डालेंगे पनीर को क्रश करके और मसालों में हम डालेंगे इसमें नमक और लाल मिर्च। अब इन सबको हम मिला लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम में।
यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता भी डाला है और बस इनको मिला लेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि पनीर भुर्जी बनके तैयार है। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने पैन में बर्गर को भी मक्खन लगा के हल्का सा सेक के कुरकुरा कर लिया है और इसके बाद हम बर्गर की प्लेसिंग करेंगे, जहाँ पे एक बन के ऊपर पहले मैंने लगाई है हरी चटनी, टोमेटो केचप, केचप और चटनी को आप बच्चों के स्वाद के अनुसार लगा सकते हैं। इसके बाद एक लेयर लगाएंगे पनीर भुर्जी की और क्रंचीनेस देने के लिए यहाँ पे मैंने टमाटर, खीरे और प्याज की स्लाइस को लगा दिया है, क्योंकि बच्चों को चीज बहुत पसंद होती है। तो ऊपर चीज ग्रेट करके डाला है चिली फ्लेक्स को और इसे कवर करके हमारा ये पनीर भुर्जी बर्गर बनके तैयार है। ये पनीर भुर्जी बर्गर मेरी बेटी अनंत्या को तो बहुत पसंद आता है लंच में, तो आप भी अपने बच्चों को इसे लंच में ज़रूर दें। एक तो ये सूखा नहीं होता और जूसी होता है और इस बर्गर की खास बात यह है कि बच्चे जब इसे लंच में खाते हैं तो ये काफ़ी जूसी रहता है। और लंच बॉक्स में साथ में पैक किया है कुछ अनार और डार्क फैंटेसी एक वैरायटी लाने के लिए। थर्सडे की लंच बॉक्स को मज़ेदार बनाते हैं ये पोटैटो पॉकेट्स के साथ, जिसके लिए मैंने लिए 4 मीडियम बॉइल्ड आलू और उन्हें मैशर की मदद से मैश कर लिया है। इसके बाद मसालों में मैं डाला है नमक, लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और कुछ धनिया पत्ते। बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है 3 छोटे चम्मच का। आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बाइंडिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो टिक्कियाँ आपकी फट जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 रॉ एग्स लिए। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंडे को अच्छे से फेंट लें। इसके बाद किसी भी फ्लैट सरफेस में कॉर्नफ्लावर को डालकर अच्छे से फैला लें। अब जो हमने आलू का पेस्ट तैयार किया है उसको इस तरीके से लंबा करके 2 हिस्सों में काट लें। ऐसे पाइप्स बनाकर आप फोक की मदद से इसे चपटा कर लें। देखेंगे कि इस तरीके का डिज़ाइन आ जाएगा। इसके बाद इसकी पॉकेट्स तैयार कर लें, जिसके लिए आप पहले से अंडे के घोल में लपेट लें। अगर अंडे आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यहाँ पे कॉर्नफ्लावर के घोल में भी इसे लपेट सकते हैं और इसके बाद इसे ब्रेड क्रम्स में लपेट लें और अब इसे एक प्लेट में रख दें और इसी तरीके से सारे पॉकेट्स तैयार कर लें और इसके बाद तेल में इसे डीप फ्राई कर लें। इसके लिए तेल को मीडियम आंच पे गरम कर लें और अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। तो आप देखेंगे लगभग 3-4 मिनट में ये अच्छे से सिक गए और क्रिस्पी भी हो गए। तो बस यहाँ पे ब्रेड पॉकेट्स तैयार हैं और इसे आप किसी भी सॉस के साथ बच्चों को लंच बॉक्स में सर्व करें। अब फ्राइडे के लंच बॉक्स में बनाया मैंने ये मसाला पराठा और इसके लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। जैसे हम नॉर्मल आटा लगाते हैं उसी तरीके का आटा लगाएंगे पराठों के लिए, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा सख्त। और आटे को सेट होने के लिए रख देंगे। आटे को एक बारी फिर मार लेंगे। अब इसके बाद एक बाउल में लेंगे एक छोटी बारीक कटी हुई प्याज, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इन सबको आपस में मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्याज का मसाला भी तैयार हो गया है। और दोस्तों अब हम आटे की लोई लेकर इसे बेल लेंगे। बेलने के बाद इसमें प्याज की स्टफिंग करेंगे। क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने इसमें थोड़ा सा ग्रेटेड चीज़ भी डाला है। चीज़ से बच्चों को टेस्ट इसका और अच्छा लगेगा। और अब इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से बेलने से आपका पराठा फटने के चांसेस कम होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पराठा अक्सर फट जाता है तो आप इस तरीके से फोल्ड कर कर उसे बेल लें। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आटा आपका फट रहा है तो उसमें सूखा आटा ऊपर से लगा लें। तो यहाँ आप देखेंगे कि पराठा हमारा बेल गया है। तो बस अब इसे गरम गरम तवे में डालकर दोनों तरफ से अच्छा ब्राउन होने तक सेक लें।
सेकने के लिए आप घी या बटर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और पराठों को दोनों तरफ अच्छा ब्राउन होने तक सेक लें। और यहाँ देखेंगे कि ये मसाला पराठा बनके तैयार है। यहाँ पे मैंने सीजनल फ्रूट मैंगो और पॉपकॉर्न्स के साथ इसे बच्चों के लिए पैक किया है। तो जैसे कि बस आपने देखा कि अनन्या के फ्रेंड्स ने तो कितना शेयर करके ये लंच बॉक्स खाया, इसी तरीके से आपके बच्चे भी खाएंगे। तो बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।